हेलो फ्रेंड्स, एक फिर से स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और आपने अभी तक एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं किया है तो ये वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप किसी भी तरह से अगर एम पॉकेट का लोन एप्लीकेशन पे नहीं कर पाते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होने वाला है। आज के स्टूडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों आपको एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन का पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप तो चलिए वीडियो को करेंगे शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, साथ ही में डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते 250 रुपये का आपको साइनअप बोनस दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो बात करेंगे एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो ये लीगल एप्लीकेशन है, 100% लीगल एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसके बाद भी ये RBI के रूल्स जो है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो अभी चलिए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप पेमेंट करने से फेल कर देते हैं, ड्यू डेट आपका आ जाता है, तो इसके बाद आपको इंटरेस्ट चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगेंगे, लेट फीस लगेंगे। यानी अगर आपने 10,000 का लोन लिया है तो वो कुछ ही दिनों में 20,000 का लोन बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10,000 का लोन 20,000 का बन जाएगा और 3 से 6 महीने के अंदर में आपको नोटिस आएगा और वो नोटिस जो होगा वो एकदम ही फेक नोटिस होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको जो नोटिस आते हैं वो 100% फेक होते हैं नोटिस, जो कि एप्लीकेशन की तरफ से आपको सेंड किया जाता है ताकि आप लोग डर के मारे उन लोगों का पैसा पेमेंट कर दें। ये बिल्कुल भी रियल नोटिस नहीं होता है। इसके बाद आप बात करेंगे एजेंट के बारे में। तो एजेंट भी आपके घर तक आ सकते हैं, 100% एजेंट आते हैं। और 10,000 से ज़्यादा अगर आपने लोन ले रखा तो आपके घर पर एजेंट आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपको कॉल पर भी बार बार कहा जाएगा कि आपके घर पर एजेंट आने वाले हैं, एजेंट आने वाले हैं, और सच में एजेंट भी आ जाते हैं। ऐसा आप बहुत सारे केसेस में देखने के लिए मिला है। जिनका जो लोकेशन है वो शहर साइड में होगा उनके यहाँ तो और खासकर आसानी से पहुंच जाते हैं एजेंट। तो वो एजेंट कैसे आ जाते हैं, तो वो एजेंट एम पॉकेट के नहीं होते, एम पॉकेट या आपके आसपास में जो भी फाइनेंसिंग कंपनी उन सबको आपका डिटेल भेज देती है और कह देती है कि जाइए इनसे अपने मेरा पेमेंट आप लेकर आइए, अगर आप मेरा पेमेंट इनसे लेकर आते हैं तो मैं आपको इसमें कुछ कमीशन दे दूंगा। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है। अब बात करेंगे कि पेमेंट करने से आपने फेल कर दिया, लंबे समय तक पेमेंट नहीं किया तो क्या आपको पेमेंट कर देना चाहिए। तो अगर आप पेमेंट अभी तक आपका ड्यू है और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसका पेमेंट करके क्लियर कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर क्लियर नहीं करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल्स आएंगे। लेकिन आखिर में होगा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिविल स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया जाएगा, इतना सिविल स्कोर लो हो जाएगा कि फिर आपको फ्यूचर में लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इन सब बातों का आप लोग ख्याल रखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इसे लोन ले रखा है तो उसका पेमेंट अगर आप चाहे तो बिल्कुल ही कर सकते हैं और अगर चाहे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन पे कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है। अगर पैसे हैं तो मेरा यही मानना होगा कि आप पेमेंट करके इसको क्लियर कर दीजिए ताकि आपका सिविल स्कोर लो ना हो और आपको फ्यूचर में भी लोन मिल सके। और अगर आप किसी भी कारण से नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं दिया जाएगा, इसके अलावा आपके साथ और कुछ भी नहीं होगा। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपको कॉल्स पे कहा जाता है वो सब फेक बातें हैं, वो सब झूठी बातें हैं, आपको डराने के लिए कहा जाता है, मेंटली टॉर्चर करने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं डरिएगा। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर